ओम नमः शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष मंगलवार एकादशी तिथि पुष्य नक्षत्र दिन में 11:30 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर विद्वान शांति हृदय वाले और आज्ञाकारी होते हैं। ये बुद्धिमान धन ऐश्वर्य से युक्त नियम पूर्वक रहने वाले व्यावहारिक और स्पष्टवादी होते हैं। विज्ञान और तकनीकी कार्यों में दक्ष और विषम परिस्थितियों का धैर्य पूर्वक सामना करने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शनि और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी और व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और साझेदारी सफल रहेगी। शुक्र का आपकी राशि पर आना लाभदायक परिस्थितियों में सहयोग करेगा। ससुराल पक्ष या महिला अधिकारियों की भूमिका आपके कार्य क्षेत्र में सहयोगी बनेंगे। संबंधों में निकटता आएगी और विश्वास में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। माँ का स्वास्थ्य चिंताजनक बना रहेगा। वृष राशि के जातकों के रुके हुए काम फिर से चालू होंगे। सोचे हुए कामों की योजनाएं चालू होंगी। एक साथ कई कामों को संपन्न करने का प्रयास जारी रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। घर परिवार पर अतिरिक्त व्यय संभावित है। अनियमितता और भाग दौड़ के कारण सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों के सहयोग में थोड़ी कमी संभावित है। संयम और धैर्य से काम लेते हुए अनावश्यक विवाद को टालने की कोशिश करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद बुध के नक्षत्र में हो जाएंगे। सहकर्मियों की प्रेरणा और बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर साझेदारी के कामों में उलझन हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में लाभ के कई अवसर सामने आएंगे। आर्थिक योजनाओं को बल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किसी महिला सहकर्मी की भूमिका सक्रिय होगी। शासन सत्ता व विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखें, गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय मेहनत भरा होगा, मगर शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। पारिवारिक तनाव में सुधार होगा और निजी संबंधों में राहत मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों के अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व कायम रहेगा। अपनी समस्याओं को जल्दी किसी से साझा नहीं करना चाहते। मन का अंतर्द्वंद उत्साह और कार्य ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी और गृहोपयोगी वस्तुओं में खर्च संभावित है। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की दर बढ़ेगी, मगर कुछ कामों में रुकावट या अड़चनें संभावित हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए मिला जुला फल देगा। व्यावसायिक गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ अच्छा होगा। अचानक लाभ के अवसर भी सामने आएंगे। साझेदारी सफल रहेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच समय गुजरेगा और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बढ़ती जाएगी और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा। निजी समस्याओं का समाधान संभावित है। कार्य योजनाओं के क्षेत्र में सहयोग मिलता रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अचानक किसी काम में रुकावट संभावित है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी और वैवाहिक प्रस्ताव में सफलता संभावित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा का शनि और बुध के नक्षत्र में संक्रमण आपके लिए बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं पैदा करेगा। मन में नकारात्मक विचारों का आना और हर काम के प्रति उदासीनता संभावित है, फिर भी कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। मित्र बंधुओं से सहयोगात्मक रवैया में कमी महसूस होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। धनु राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आलस्य और सुस्ती का माहौल महसूस होगा। अपनी कार्य योजनाओं में सार्थक पहल की कमी संभावित है। हालांकि सामाजिक सहयोग मिलता रहेगा और विकास की योजनाएं बन सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी। वाहन धीमे चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। मकर राशि के जातकों के ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका मन कार्य क्षेत्र के प्रति ज्यादा केंद्रित रहेगा। कार्य योजनाओं की जिम्मेदारी और बढ़ेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। नई योजनाओं में निवेश का योग बना हुआ है और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। वाहन और सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुओं में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है, मगर शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। अनावश्यक किसी से उलझना उचित नहीं होगा और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल लाभदायक सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी। नई योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। विरोधी पक्ष दबा रहेगा। वाद विवाद में समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। बहस करना उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों से दूर रहें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का परिवर्तन आर्थिक लाभ में मदद करेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र की धीमी गति सुधार में आएगी। कुछ उलझे हुए मामले भी सुलझ सकते हैं। भावुकता आपके लिए अच्छी नहीं होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भ्रमात्मक स्थिति पैदा करेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। वाहन सावधानी से चलाएं और नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।